एंड जो आर द बेस्ट यू आर टू शिखर थैंक यू मेन्यू मैंने डिसाइड किया है एवरी डे इज इंटेंस फॉर हिम फाइनली आई गॉट स्लीप वो लास्ट मिनट चीजें याद आती हैं ये है जी हसन मेरे लिए लाया था आज रात का डिनर बहुत अच्छा रहा बलवशा से मिलके बहुत अच्छा लगा और आई फील वेरी लकी कि आई कम अक्रॉस नाइस पीपल इन लाइफ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि ऐसे लोग जिनसे मिलके आपको खुशी हो जो प्योर हो जो दिल में है वही सामने हो अभी तो खैर पहली मुलाकात थी बट आई हैव दिस वाइब कि बलवशा इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन और इंशाल्लाह विल कीप इन टच जी वी आर चेकिंग आउट और अभी यहाँ से हम जाएंगे हसन के पास हसन से मिलेंगे और फिर ऊबर लेके वापस स्टेशन बिकॉज हसन का काम है ऑनलाइन और वो शाम 6 बजे तक फ्री होता है तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है हमें 1 घंटा जाने में लगेगा और वहाँ से फिर हमारी 6:30 बजे ट्रेन है 10:30 हम पहुँच जाएँगे घर इंशाल्लाह और वापस से वही रूटीन मासी धोबन बट आई इन्जॉय दैट मुझे बहुत मज़ा आता है तो स्टीव और जो जिनका ये एयरबीएनबी है उनके पास हम जाके थोड़ा सा बैठते हैं दे वेरी स्वीट कपल तो हया उनके साथ नीचे बैठ के बातें कर रही है मैंने कमरा वमरा बना दिया है बिस्तर और हम अभी अपनी पैकिंग कर ली है और हम सामान लेके नीचे जा रहे हैं और वहीं पे अपनी फेवरेट जगह पे नाश्ता करेंगे आज मैं उतना नहीं खाऊँगी कल मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही और फिर डिनर भी इतना किया सो आई वाज सो अनकम्फर्टेबल तो जी ठीक है मैंने ये रियलाइज़ किया मीठे का शौक़ अच्छा है मगर थोड़ा मॉडरेशन में होना चाहिए सब कुछ मैंने हॉलीडे पे आके कुछ ज़्यादा ही अपने आप को हॉलीडे मोड पे खाने के लिए ज़्यादा कर लिए घूमने फिरने के लिए कम किया तो वो मोड ज़रा रिवर्स करना है मुझे तो बस अब दावतें शुरू हो रही हैं 22 को मरियम ने दावत की है वहाँ पर आई थिंक शी लिव्स इन यॉर्क तो वहाँ पर हमने जाना है दावत पर उनकी फिर मैंने एक दावत होस्ट करनी है बहुत जल्द तो उससे पहले आपको घर का टूर भी कराना है घर इज़ ऑलमोस्ट डन क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो रहमत भाई एक बंदे को लेके आए थे फॉर शिफ्टिंग स्टाफ फ्रॉम हियर एंड देयर जो जैसे अलमारी मैंने निकाल के कमरे से तो बाहर रख ली और उसके आगे मुझसे नहीं हुई बिकॉज वो हैवी अलमारी है तो वो करना है फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम हुआ था तो पेंट सारा वो उन्होंने कटिंग की थी दीवारों में और वो सारी वायरिंग चेंज हुई थी तो उसके बाद पेंट कराया था वो पेंट बचा हुआ है तो गटरिंग का जो काम है उसके लिए हमारे जो नेबर है नेक्स्ट डोर अफसार भाई उन्होंने किसी से बात की है तो संडे का अपॉइंटमेंट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा तो गटरिंग के काम की वजह से जो ब्लॉकेज की वजह से दीवार ख़राब हुई थी पेंट की दीवार ख़राब हुई थी तो उसको हम वापस से रिपेयर कराएंगे तो हमारा सारा काम जो है घर का कम्प्लीट हो जाएगा लगा लो मैंने सूटकेस में रख दिया अच्छा लगा लो सामने ही पड़ा हुआ नया अच्छा नया वाला तो जी बस अब हम निकल रहे हैं और बहुत से एक्साइटिंग मोमेंट्स आगे आने वाले हैं आई विल शेयर देम विद यू बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली नाउ एंड स्टे ट्यून्ड एंड दिस इज फॉर यू एंड जो एवरीथिंग वाज सुपर्ब And you and Joe are the best. You are too, Sugar. Oh, player. Thank you. Do you by any chance? Is it? I've got it wrong. No. It's just adorable. Yeah, that's very cute. Do you by chance come to Scunthorpe ever? Well, I've got. Funny enough, I was saying to your daughter, we've got an entrepreneur up in Scunthorpe. He does Amazon. He does like. So occasionally I do come. Are you living in Scunthorpe? Yes, we do. Oh, I'll come up and see you. Yeah, please do. Yeah. I'm holding a dinner on 28th. Right. Okay. Would you be able to come? I'll you see what we're doing. Yeah, I'll call you. Yes. I'll call you. Okay, that would be lovely to have you there. Yes. I'm cooking everything myself. Oh my gosh, yeah. Thank you. So I've got a couple of friends coming over from lovely. Bradford and London. Oh, have you? Yeah. Oh, fantastic. Yeah. Thank you. Yeah, that'll be great. Yeah. Enjoy your breakfast. They're here. You're so... थड़े पे बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे जगह ही नहीं थड़ा थड़ा क्या होता है थड़ा पंजाबी में कहते हैं इसको ये जो जगह है पाथ तो हमने ऑमलेट ऑर्डर किए हैं क्रोसॉन ऑर्डर किए हैं और अभी डेनिश पेस्ट्री पे हाथ साफ कर रहे हैं हम लोग
No, we don't. It's not good. Your croissants, are they to be served with butter? Did you want them warmed up or? Yes, please. So warmed up with butter with all three? Yes, thank you. I didn't even make it. Mamma, they could have been. पहले हिमला डालना दे देना मम्मा और फिर ये डालना कैसे खा दिया चुप करके हंस के हमने कपड़ों पे कैसे गिरे कपड़ों पे गिर सकता है बेटा मम्मा बोल देने croissants so complete orders here and we've already started yeah intense today Every day is intense for him. I finally got sleep. You look fresh. Yes, better than that day. Yeah. I slept. You baat nahi mamma, I don't care. I do not care. Hi. वापसी का सफ़र रवान दवा है बड़ी ही एंजाइटी वाला ही रहा है ये सारा प्रोसीजर क्योंकि वो लास्ट मिनट चीज़ें याद आती हैं बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग टाइम पे पहुंच गए ट्रेन में बैठ के भागते भगाते अभी हया मेरे लिए कॉफ़ी लेके आई है और ब्राउनी और उसके साथ मैं खा रही हूँ हनी रोस्टेड कैश्यूज और ज़बरदस्त मंज़र आ रहे हैं रास्ते में मज़ा आ रहा है रिलैक्स कर रही हूँ अनवाइंड कर रही हूँ पूरी जो थकावट थी हेलो एंड वेलकम ऑन बोर्ड द सेलेनिया अज़ूमा टू जॉनफोर्ड फोस्टर स्क्वायर पहुंचेंगे और मुझसे पेप्सी थोड़ी सी गिर गई है तो बात नहीं हम बताते हैं नहीं हंस रही हैं शुक्र और फिर हम स्कंथा वापस चले जाएंगे क्या लिया ये है जी हसन मेरे लिए लाया था आज मैंने पहनी थोड़ी देर अच्छी है बहुत अच्छी लग रही है हसन भाई को बहुत शौक है हैट्स का बहुत अच्छा है हैट्स ऑफ मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी कह रहा हूं मैं नहीं हाथ कट जाएगा अच्छा मैं ये कहूंगी हां इंशाल्लाह बड़ी मुश्किल से हमने ट्रेन पकड़ी भागते भागते बस वो जब बंदा जल्दी में होता है ना तो दिमाग नहीं काम करता मेरे पास टिकट्स थे हसन ने हमें कहा कि आप को मैं स्टेशन पे छोड़ता हूँ तो आप लोग दो चेंज ओवर क्यों करेंगे आप लोग सीधे किंग्स क्रॉस जाएं यहाँ से तो हमने नए टिकट लिए तो वो फ़ोन टैप किया जब वो तीन दफ़ा फ़ोन टैप किया मैंने अपना नबीहा का और ईमान का तो उसके बाद हम लोग मुझे भूल ही गया कि मेरे पास टिकट्स हैं किंग्स क्रॉस से आगे डॉनकास्टर तक के तो बस फिर वो टैप कर दिए मैंने फिर मुझे ख़्याल आया कि ये मैंने क्या किया है तो चार्ज हो जाएंगे वहाँ पे फिर मैंने वो सिक्योरिटी वाले से बात की फिर उसने मुझे बताया कि मैं क्या करूँ तो तब तक सिर्फ एक मिनट रह गया था और प्लेटफॉर्म सामने ही था मगर वो भी कोई दो मिनट की वॉक थी
और हम भागे हैं वहाँ से सारे, बक्सा हमारे पास दो बक्से भी थे, तो बस वी गॉट इन द ट्रेन। खैर बाद में वो 10 मिनट खड़ी रही, ये हमें आइडिया नहीं था, बट इस तरह से हम पहुँचे हैं ट्रेन पे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई। बड़ी में आके हमने सुख का सांस लिया। हया से मैंने कहा मुझे कॉफ़ी ला के दो, उसने मुझे कॉफ़ी ला के दी, फिर हम सब ने कुछ खाया पिया, रिलैक्स हुए, अपने नर्व्स को रिलैक्स किया, और बस अब जाके डिनर की तैयारी करनी है। बस 28 को फिर हमारी दावत है। जी अगला स्टेशन हमारा है, हम बस पहुंचने वाले हैं वहाँ से। फिर 1 घंटे की ट्रेन और है स्कंथॉप के लिए डॉनकास्टर से। रास्ते में इतने मज़े मज़े के सीन्स आए हैं, स्पेशली फार्मिंग लैंड जिस पे वो, जब मैं देख रही थी तो मैं इमेजिन कर रही थी कि लोग किस तरह से यहाँ फार्मिंग करते होंगे। कहीं वीट लगा हुआ था, कहीं ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैटल का जो फीड है वो उसकी फार्मिंग करते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा लोग लेके जाते हैं। नहरें, सबसा अच्छा सा सनसेट, ये सारे मंजर देखते हुए आए हैं। गुड मॉर्निंग, आ गए हैं जी हम वापस, और मैंने चढ़ा दिया बीफ बिरयानी बच्चों के लिए, क्योंकि पुलाव भी हो गया, कढ़ाई भी हो गई, भुना गोश्त भी हो गया, मुर्गी का सालन भी हो गया। अब समझ ही नहीं आ रही थी, दाल वाल पे तो आते नहीं हैं बच्चे मेरे, तो ये बोनलेस बीफ रखा हुआ था फ्रीज़र में, ये मैंने उनके खावसे के लिए ज़्यादा ले लिया था तो वो बचा हुआ था, तो उसकी मैं बना रही हूँ बिरयानी बीफ। और उसके बाद फिर मैं अभी गैराज में गई, कुछ चीज़ें इधर उधर कराई थी बंदा बुलवा के, तो ऐसे ही पूरा सब सर पे चढ़ रही थी वापस से, इतनी मुश्किल से मैं सेट करके गई थी, तो वो उसमें मुझे कोई 2 घंटे लगे। लेकिन मेरा एक प्लेयर मिल गया मुझे जो मैंने कुछ साल पहले ऑर्डर किया था, उसमें CD भी है, कैसेट भी है, तो माइक भी है, कैरियोके आप कैसेट के साथ भी कर सकते हैं, CD के साथ भी कर सकते हैं, तो उस पर मैंने कुछ गाने लगाए मैडम के और वो सुनते सुनते मैंने काम कर लिया अपना। मौसम आज का ऐसा है कि पलक झपकते में बारिश हो रही है, पलक झपकते में धूप निकल रही है, मैं तो हैरान होती हूँ यहाँ के मौसम पे। लेकिन यह है कि मज़ा आया, फिर मैं गैराज में फंस गई काफ़ी देर, बारिश होती रही, तो जब वो रुकी तो उसके बाद मैं वहाँ से निकली। मैं चीज़ें देख रही थी दावत के लिए, क्या क्या निकालनी है वहाँ से, कुछ बर्तन वहाँ पड़े हुए हैं, मेरे पकाने के सारे चटखे बटखे सब वहाँ पड़े हुए हैं, तो वो मैं देख रही थी ताकि उनको निकाल सकूं। अभी बिरयानी बनती है तो आपको फाइनल शक्ल दिखाती हूं मैं। बस ये बिरयानी तो ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन अभी मतलब मसाला जो है वो अब इसमें पानी डाल के गलाऊंगी। गाने जो मैं सुनती हूं ना लगा के अपने ब्लूटूथ स्पीकर पे, काश कॉपीराइट इशू ना होता तो मैं आपको वो सुनवाती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के तुम एक गोरख धंधा हो, फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का ही है उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़िया, हा हा हा, ऐसा मज़ा आता है सुन के कि रूह तर हो जाती है। और एक नूरी बैंड का है होर भी नीमा हो, आजी पे है, अगर मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि होर भी नीमा हो मतलब आजी इज़ नेवर इनफ, सो झुको जितना झुक सकते हो। तो बहरहाल इस तरह के हैं, स्पिरिचुअल म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, वो दिल पे लगता है सीधा। मैं लिंक डालूंगी, आप लोग ये लगा के काम करें, देखें आपको कितना मज़ा आता है। 28 को दावत है बहुत बड़ी, आज मैंने सैले चावल लिए हैं तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट चावल ट्राई करूँ ताकि उस दिन कोई मिसहैप ना हो जाए, बिकॉज़ मुझे चावलों का मिजाज उससे पहले समझना पड़ेगा। होपफुली दिस विल वर्क, अगर ये हुए तो फिर इसी से बनाऊँगी। मेन्यू मैंने डिसाइड किया है मटन पुलाव, मटन कढ़ाई, मिक्स दाल, या फिर चिकन पुलाव और मटन कढ़ाई, और बीफ स्ट्रोगनॉफ, और कीमे और आलू के कटलेट्स, मीठे में शाही टुकड़े। उतना ही मेन्यू रखा है जितना मैं ख़ुद बना सकती हूँ, बिकॉज़ मैं बाज़ार से सिवाय रोटी के कुछ भी नहीं मंगाना चाहती। फ़ाइनल लुक मेरी बिरयानी का, बच्चे लेके गए और दोबारा भी आके लिए, सो इसका मतलब अच्छी बनी है। मैंने चखी, अब मैं खाती हूँ।
एंड विल सी यू लेटर.